पैदल घूम सकता हूँ, तो आप छोटे छोटे डिस्टेंस जो है, छोटी छोटी दूरियों को पैदल तय करें, कार्बन डाइऑक्साइड ना निकालें। दिन से अमित जी यात्रा पे निकले, धनबाद के रहने वाले हैं। समाज को जागरूक करने के लिए कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, हम कचरा का निष्पादन नहीं कर पा रहे हैं, कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, नदियों को कचरे से भर रहे हैं, कई समस्याएं हैं। हम फ्यूल जो जला रहे हैं उससे कार्बन वातावरण में बढ़ रहा है, जिसके कारण हमारा धरती गर्म हो रही है, हमारी धरती गर्म हो रही है, तापमान में वृद्धि हो रही है, काफी समस्याएं हैं। अमित जी से हम जानेंगे, अमित जी आपके इस यात्रा का मिशन क्या? कहने का मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है, एक मेजर इशू है व्हीकल से निकले हुए कार्बन। तो मैं कहता हूँ कि अगर मैं पूरा भारत पैदल घूम सकता हूँ, मैं पूरा भारत पैदल घूम रहा हूँ, तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि लाइक जो छोटी छोटी डिस्टेंस होती है, लाइक 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर 200-300 एक छोटे डिस्टेंस में होती है, इसके लिए एटलीस्ट आप लोग पैदल ट्रैवल करें या फिर इस्तेमाल करें। इसके लिए आप मोटरसाइकिल का यूज़ ना करें। अगर आप मोटरसाइकिल चलें, बहुत सारे फायदे, जैसे कि आप फिजिकली फिट रहेंगे, दूसरा आप कार्बन कम प्रोड्यूस करेंगे, तो एक मदर अर्थ के लिए थोड़ा सा छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा आपके लिए। तीसरा चीज़, गाड़ी कम निकलेगी तो ट्रैफिक कम होगा, पार्किंग कम होगी, बहुत सारे। मिशन बहुत बड़ा है, सोच बहुत बड़ी है, संदेश भी बहुत बड़ा है। हमारे अमित जी ने जो हमें कहा है, छोटे छोटे डिस्टेंस 200 मीटर के 500 मीटर के डिस्टेंस के लिए हम जो गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गाड़ियों से निकलता है, वातावरण गर्म होता है, प्रदूषण भी बढ़ रहा है, काफ़ी बड़ा संदेश है। और इसके लिए ये यात्रा से निकले हैं सिर्फ बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि मैं पूरा भारत पैदल घूम सकता हूँ, तो आप छोटे छोटे डिस्टेंस जो है, छोटी छोटी दूरियों को पैदल तय करें, कार्बन डाइऑक्साइड ना निकालें, तेल या ईंधन को न जलाकर अपने शरीर की ये कैलोरी को जलाएं, मतलब सारे ये शारीरिक मेहनत करें, शरीर को एक्टिव बनाएं, शरीर को मजबूत बनाएं। संदेश है, हम प्रतिदिन टहलते हैं, कई हम ये योगा करते हैं, टीवी देखते हैं, रोज नया संदेश हो रहा है। डॉक्टर भी हमें कहते हैं कि भाई आप चलिए, थोड़ा चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, काफ़ी कुछ मैसेज है, लेकिन जो समस्याएं हैं उस पर हम करते हैं। समस्या है देश को बचाना है, वातावरण को बचाना है, वायुमंडल को बचाना है। हम उनसे और जानेंगे आगे क्या रणनीति है, आगे कहाँ कहाँ जाएंगे। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, कश्मीर, नीचे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इस तरीके से मैं पूरे 28 स्टेट्स का और 8 यूनियन टेरिटरी का ट्रैवल करने वाला हूँ। पूरा भारत भ्रमण का कार्यक्रम है, 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए हैं, उन सभी का भ्रमण करने की योजना है। बहुत बड़ा संदेश है, अमित जी ने जो ये साहस किया है, जो परिश्रम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पे हम सभी समाज के लोगों के लिए संदेश है, मानवता का संदेश है कि हम वायुमंडल को बचाएं, देश को बचाएं, धरती को बचाएं। जब ये धरती ही नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारे पशु पक्षी नष्ट हो गए हैं, उनकी प्रजातियां नष्ट हो गई हैं, बहुत सारे जानवर नष्ट हो रहे हैं, बहुत सारे जानवरों में ब्रीडिंग नहीं हो पा रही है, उनका वंश वृद्धि नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी समस्याएं। इस पर हमको चर्चा करनी होगी, मानव जाति को ये चर्चा करनी होगी कि हमें अगर हम अपने वायुमंडल को नहीं बचा सकते हैं, देश को नहीं बचा सकते हैं, तो हमें मानव कहलाने का भी अधिकार नहीं है। नया बिहार न्यूज अमित जी को बहुत बधाई देता है।
इनके साहसिक परिश्रम के लिए, नेक काम के लिए आपने जो ये हिम्मत जुटाई है, आपने जो ये संदेश लेकर भारत के सभी राज्यों में जाने का जो संकल्प लिया है, इसमें नया बिहार न्यूज़ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। आप अपने मिशन में कामयाब हो और मानव जाति को जो आप संदेश देना चाहते हैं वो संदेश जन जन तक पहुँचे, यही की कामना और यही हमारी आपसे उम्मीद है। न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।